पहला क्वेश्चन में बोल रहे थे कि अगर एक एपी का 1001th टर्म का वैल्यू 1002 हो और 1002th टर्म का वैल्यू 1001 हो तो हम लोगों को 101th टर्म का वैल्यू निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक की मदद से सॉल्व करेंगे उसको ही समझेंगे। यहाँ पर देखिए 1001th टर्म का वैल्यू दिया गया है 1002 और इन वैल्यूज को जस्ट इंटरचेंज करके यहाँ पर दिया गया है देखिए 1002th टर्म का वैल्यू 1001 तो हम लोगों को उस एपी का 101th टर्म का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट ट्रिक को समझ लेते हैं। मान लीजिए देखिए pth टर्म मतलब टीपी इज इक्वल टू अगर क्यू हो और qth टर्म मतलब टीक्यू इज इक्वल टू अगर पी हो तो यहाँ पर देखिए जस्ट वैल्यूज को इंटरचेंज करके वैल्यूज दिया गया है। और मान लीजिए हम लोगों को tr निकलना है मतलब rth टर्म निकलना है तो rth टर्म निकलने के लिए ट्रिक होता है क्या होता है देखिए इन दोनों नंबर्स को हम लोग जोड़ लेंगे तो p प्लस क्यू हो जाएगा। p प्लस क्यू जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू से हम लोगों को ये जो r है इस r को माइनस कर देना है। तो tr निकलने के लिए ट्रिक क्या हो गया, tr निकलने के लिए ट्रिक हो गया p प्लस क्यू माइनस r। इसी ट्रिक को हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को निकलना क्या है, यहाँ पर हम लोगों को निकलना है t101। तो t101 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1001 प्लस 1002 माइनस r क्या है 101 तो माइनस कर देंगे 101। सो दिस इज इक्वल टू अभी इनको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2003 देन माइनस 101। अब 2003 माइनस 101 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1902। तो देखिए यहाँ पर 101th टर्म का वैल्यू हम लोगों को देखिए कितना आसानी से मिल गया और मेरे ख्याल से ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए और एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं सेम ट्रिक लगा के। यहाँ पर देखिए 129th टर्म दिया गया है 9 और 9th टर्म का वैल्यू दिया गया है 129 तो हम लोगों को निकालना है t100 का वैल्यू। तो t100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 129 प्लस 9 कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा उससे हम लोगों को 100 माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए 129 प्लस 9 ये हो जाएगा आपका 138 और 138 माइनस 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 38। देखिए यहाँ पर कितना आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आ रहा है वो आप लोगों को वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता के जाना है। यहाँ पर देखिए ये ट्रिक कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का ट्रिक वाले वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।